नमस्कार, मैं हूं प्रभा। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि उनके पार्टी के सहयोगियों पर आयकर विभाग की छापेमारी सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले घबराहट महसूस कर रही है, इसलिए ऐसा कर रही है। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि छापेमारी क्या कभी किसी भाजपा नेता को निशाना बनाते हुए की गई है। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा है कि उनकी पार्टी के कुछ सहयोगियों पर हाल ही में आयकर के छापे सत्तारूढ़ भाजपा के इशारों पर किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले घबराहट महसूस कर रही है। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि छापेमारी कभी किसी भाजपा नेता को निशाना बनाते हुए नहीं हुई है। सरकार के इस दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हम इस पर विश्वास करने के लिए अनपढ़ या अशिक्षित हैं? राज्यसभा में एक टिप्पणी पर सोमवार को सांसद जया बच्चन भड़क गईं। उन्होंने इसे खुद पर लगाया गया आक्षेप करार दिया और गुस्से में भाजपा को बुरा भला कहा। जया बच्चन ने कहा कि मैं श्राप देती हूं कि जल्दी भाजपा के बुरे दिन आएंगे। आपको बता दें कि ये माजरा एनडीपीएस संशोधन विधेयक पर संसद में बहस के दौरान का है। इस चर्चा के दौरान जया बच्चन ने विपक्ष के 12 निलंबित सदस्यों का मसला भी उठाया। सुश्री बच्चन ने भी सभापति से कहा था कि ये निष्पक्ष होना चाहिए और आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस सरकार से न्याय की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे उन्हें किसानों से माफी मांगनी पड़ी, उसी तरह सरकार को एक दिन इन सांसदों से भी माफी मांगनी होगी। ये इत्तेफाक की बात है कि सोमवार के ही दिन बॉलीवुड अभिनेत्री एवं जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन साल 2016 के पनामा पेपर्स लीक प्रकरण से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ऐश्वर्या से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी पेमा के प्रावधानों के तहत पूछताछ कर रही थी। क्या है पनामा पेपर्स लीक प्रकरण मामला? आपको बता दें कि ये केस साल 2016 में वॉशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की ओर से पनामा पेपर्स की जांच से जुड़ा है। अभिनेता अमिताभ बच्चन की 48 वर्षीय बहू की भूमिका इसी प्रकरण से जुड़े एक मामले में पूछताछ चल रही है। कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका के रिकॉर्ड से जुड़ी गोपनीय जानकारियों को पनामा पेपर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें दुनिया के कई नेताओं और मशहूर हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं।